वेलकम टू द क्लास आज हम फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे और खासकर दो स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे जैसे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में जितने वर्ड्स होते हैं वो किसी न किसी टाइप के होते हैं उनका जो नाम होता है उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं अगर आप और ठीक से समझेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ठीक से मतलब क्या होता है स्पीच का पार्ट मतलब जो हम बोलते हैं जब बोलते हैं तो सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस के पार्ट को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं वर्ड्स वर्ड्स कई तरह के हो सकते हैं अभी तक आपने समझा है वर्ब्स होते हैं नाउनस हो सकते हैं और प्रोनाउंस हो सकते हैं आज हम उसके आगे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बारे में भी समझेंगे तो हमने देखा है कि नाउन क्या होता है प्रोनाउंस क्या होता है नाउनस प्रोनाउंस के बदले में आ सकता है ना नाउन के बदले में प्रोनाउन आ सकता है इसलिए हम उसको प्रोनाउन कहते हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हम आपसे हम आपको ये भी बताएंगे आगे चलकर सेंटेंस के बारे में कि नाउंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जैसे आप देखेंगे रियाद जैसे ये सेंटेंस हमने देखा था पहले कि रियाद प्लेज क्रिकेट एवरी संडे। तो इसमें रियाद नाउन है और क्रिकेट भी नाउन है और सनडे भी नाउन है तो क्रिकेट नाउन तो है लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी है राम किल्ड रावण राम सब्जेक्ट है और रावण ऑब्जेक्ट है दोनों भी नाउन है तो नाउन जो नाम है ये इस वर्ड का नाम है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिखाता है ये किस स्पीच का कौन सा पार्ट है मतलब ये नाउन है लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ग्रामेटिकल रिलेशंस होते हैं दोनों ही नाउन होते हैं लेकिन ये ग्रामेटिकल रिलेशंस होते हैं

जैसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं किल्ड व्हाट तो इसका जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होता है इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट अब आप इसी तरह से फाइंड दिस अब ये तीन सेंटेंस मैंने आपको सिर्फ दिए हैं। इसमें से आप ढूंढिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर आई नाउन है प्रोनाउन है और ग्लास नाउन है और वाटर भी नाउन है लेकिन अ ग्लास ऑफ वाटर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है इस वर्क का ही लव्स हिज फैमिली डियरली ही प्रोनाउन है हिज भी प्रोनाउन है फैमिली नाउन है लेकिन हिज फैमिली ये ऑब्जेक्ट है दे रूइंड द हाउस दे प्रोनाउन है हाउस नाउन है लेकिन द हाउस यहाँ ऑब्जेक्ट है तो नाउंस और प्रोनाउंस को सीखने के क्रम में आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखा हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको और भी डिटेल में बाद में बताएंगे आज नाउंस और प्रोनाउंस को सीखने के बाद हम एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की तरफ चलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि एडजेक्टिव्स होते क्या है एडजेक्टिव्स किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन बताता है जैसे अब ये सेंटेंस देखिए सी ड्राइव्स एन अमेजिंग बिग रेड स्पोर्ट्स कार ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट देखिए कामा से अलग अलग किया हुआ है अमेजिंग बिग रेड स्पोर्ट्स कार ये जितने वर्ड हैं जैसे अमेजिंग है बिग है रेड है ये किस चीज को किस चीज के, के बारे में बताता है ये स्पोर्ट्स कार के बारे में बताता है अमेजिंग स्पोर्ट्स कार कार ये स्पोर्ट्स भी एक तरह का एडजेक्टिव है जो कार के बारे में बताता है। तो so, एक एडजेक्टिव क्या क्या बता सकता है ये ओपिनियन के बारे में बता सकता है किसी चीज की साइज के बारे में बता सकता है इसके कलर के बारे में बता सकता है और टाइप के बारे में बता सकता है खास करके इस उदाहरण में जो हमने आपको अभी दिया है इसमें ये इन चार चीजों के बारे में बताता है ये मतलब ओपिनियन क्या दर्शाता है अमेजिंग ओपिनियन है बिग साइज़ है, है रेड कलर और टाइप स्पोर्ट्स फिर से सेंटेंस को पढ़िए शी ड्राइव्स एन अमेजिंग बिग रेड स्पोर्ट्स कार तो ये इन, इन चीजों को हम इन वर्ड्स को इस कारण से एडजेक्टिव कहते हैं थोड़ा सा और देखिए अब जब आप इसको अप्लाई करके देखिए ये एक प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें आपको आपके ध्यान देने के लिए एक और बात यह है कि अंग्रेजी में खास तौर पर जब भी एडजेक्टिव्स आप देखेंगे तो वो नाउन्स के पहले आता है जब भी वो नाउन के साथ आता है तो नाउन के पहले आता है ये बात ध्यान में रखने आप देखिए जितने भी है ना अमेजिंग बिग रेड स्पोर्ट्स ये सारे कार के पहले आ रहे हैं इसी तरह से जब आप ये देखेंगे कि एक एक और चीज आपको ध्यान देने की है इसमें और वो ये है कि एक डाउन के लिए यहां कितने एडजेक्टिव्स हैं आप देखिए एक दो तीन चार एडजेक्टिव्स हैं चार एडजेक्टिव भी एक नाउन के लिए आ सकता है और एक एडजेक्टिव एक से ज्यादा नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है ये ये दो बातें ध्यान में रखने की है ध्यान से फिर से फिर सुनिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव मतलब तीन चार पांच एडजेक्टिव भी एक नाउन को मॉडिफाई कर सकता है उदाहरण आप देख रहे हैं यहां पर और यह भी संभव है कि एक एडजेक्टिव दो तीन चार नाउन्स के लिए भी यूज हो ये इस कैटेगरी इस वर्ड की इस तरह के वर्ड की इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की खासियत है अब हम आपको कुछ सेंटेंस दिखाते हैं उसमें आप एडजेक्टिव पर ध्यान दीजिए वर्स्ट फेलो कौन सा वर्ड है जो किसी चीज के बारे में बताता है ये देखिए ब्यूटिफुल सनराइज इट वॉज अ मेजेस्टिक बिल्डिंग With narrow corridors. This is a huge black African elephant. She is a very sweet girl. That is a fragrant sweet. He is a tall, handsome boy. I came from Delhi. He sings well. Sarah has a beautiful yellow frock. He was thin, pale, and yellow. Thin, pale, and yellow. सारे सेंटेंसेस को देखिए ठीक से और कई तरह की चीजें आप सीख सकते हैं इन सेंटेंसेस से अब उन चीजों पर ध्यान दीजिए जिनको हमने अंडरलाइन किया है हमने शुरू में क्या किया सिर्फ सेंटेंस को पढ़ा उसमें जो एडजेक्टिव लगा उनको अंडरलाइन अब आप शुरू से देखिए वर्स्ट फेलो ये एक एक्सक्लेमेटरी एक्सप्लेनेशन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन है जो हम किसी को अच्छे सेंस में और बुरे सेंस में दोनों ही में बोलते हैं बुरे सेंस में बोलना अच्छी बात नहीं होती है कि हम किसी को वर्स्ट फेलो कहें लेकिन मजाक के तौर पर और इन जनरल हम किसी अच्छे सेंस में भी ऐसा बोल सकते हैं ब्यूटीफुल सनराइज ये ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव है इट वॉज अ मेजेस्टिक बिल्डिंग विथ कॉरिडोर्स इसमें दो एडजेक्टिव है लेकिन ये दोनों एडजेक्टिव्स दो अलग अलग नाउंस को मॉडिफाई करते हैं मेजेस्टिक बिल्डिंग को करता है और कॉरिडोर्स को मॉडिफाई करता है दिस इज अफ्रीकन एलिफेंट अब आप देखिए इसमें एक एडजेक्टिव ये है ह्यूज ये साइज को बताता है ब्लैक कलर को बताता है और अफ्रीकन टाइप को बताता है ये तीनों मिलकर के सिर्फ एलिफेंट को मॉडिफाई करते हैं शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल ये स्वीट इस लड़की को मॉडिफाई करता है ये क्वालिटी होती है इसका मतलब होता है अच्छी लड़की दिस इज अ फ्रेग्रेंट स्वीट इसमें भी ये इसको मॉडिफाई करता है ही इज अ टॉल हैंडसम बॉय अब आप देखिए टॉल और हैंडसम दोनों ही एडजेक्टिव्स एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है केम फ्रॉम दिल्ली इस सेंटेंस में आपको कोई एडजेक्टिव दिखाई देता है नहीं तो इस सेंटेंस में है क्या और इसमें जानने वाली क्या बात है हम अभी आपको बताएंगे। सिंग्स वेल एडजेक्टिव है क्या नहीं है। हमको मालूम है ही प्रोनाउन है और सिंग वर्ब है ये वेल well क्या है केम फ्रॉम दली आई प्रोनाउन है ये वर्ब है और फ्रॉम प्रपोजिशन है इंग्लिश में इस दो सेंटेंस से हम क्या सीख सकते हैं हम आपको शारा हैज ए ब्यूटिफुल येलो फ्रॉक फिर से ये ब्यूटीफुल और येलो दोनों इस फ्रॉक को मॉडिफाई करता है अब आप देखिए यहां ही वॉज थिन येलो तीन एब्जेक्टिव है यहाँ थिन येलो, ये तीनों एडजेक्टिव किस चीज को मॉडिफाई करते हैं? ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर रहे हैं ही, मतलब ये जिस किसी चीज जिस किसी भी व्यक्ति को ही रेफर करता है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि हमने अभी अभी बात की कि एडजेक्टिव्स आमतौर पर सब जिसको हम मॉडिफाई करते हैं उसके पहले आता है तो इस सेंटेंस में हम ये देखते हैं यहां देखिए वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है और अभी अभी हमने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो ही है और ये पूरा का पूरा इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं तो जब एडजेक्टिव इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है और उसमें कोई नाउन नहीं हो जिसको वो मॉडिफाई करे तो इस तरह के एडजेक्टिव को प्रेडिकेट चूंकि ये प्रेडिकेट का पार्ट है इसलिए हम प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं ध्यान रखिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ दो पार्ट है ये प्रेडिकेट का हिस्सा है, सा है? और इसमें कोई नाउन नहीं है मॉडिफाई करने के लिए प्रेडिकेट में भी नाउन हो सकता है मॉडिफाई करने के लिए जैसे देखिए सरा हैज ब्यूटिफुल येलो फ्रॉक देखिए हैज और ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है हैज ब्यूटिफुल येलो फ्रॉक लेकिन ब्यूटीफुल और येलो इस फ्रॉक को मॉडिफाई करता है सरा को नहीं ये बात समझ में आएगी अगर आप इसको ठीक से ध्यान देंगे तो ब्यूटीफुल और येलो किस नाउन को मॉडिफाई करता है सैरा को फ्रॉक को सैरा को नहीं इस तरह से ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव नहीं है लेकिन जब ये थिन पेल येलो अगले सेंटेंस में ही को मॉडिफाई करता है तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव्स क्या करता है ये आपने देखा एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं प्रेडिकेटिव और जब ये किसी नाउन को मॉडिफाई मौडिफा, कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ये ये तो ये तो नाम हुए और नाम हम आपको इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम कैटेगरी के नाम के बारे में बता रहे हैं तो जब हम आपको एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं एडजेक्टिव्स के बारे में बता रहे हैं तो एडजेक्टिव्स कितने तरह के होते हैं ये भी जानना जरूरी है और वो सेंटेंस में कैसे कैसे आ सकते हैं तो आप इस चीज को बिल्कुल ठीक ढंग से देखिए और समय लगा कर देखिए अंडरलाइन करके कर देखिए और जो क्लियर नहीं हो सेंटेंस में उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश कीजिए तब जा के ये आपको समझ में आएंगी और इसका असर आपके सीखने के ऊपर पड़ेगा ऐसे एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन्स आमतौर पर ये सामान्य बात लगती है सीखने वाली देखने वाली सुनने वाली लेकिन इनके यूसेस को इन, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं इन सारी चीजों पर ध्यान रखने से हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और फिर हम ये समझ पाते हैं कि कैसे यूज होता है हमने आपसे कहा था कि हम आपको एडवर्व के बारे में बताएंगे एडवर्व क्या होते हैं जो हमको वर्व के बारे में एडजेक्टिव के बारे में और इंफॉर्मेशन दे उसको हम एडवर्व कहते हैं ये आमतौर पर वेन वाई हाउ इन वट वे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं मन में आते हैं उनके जो भी आंसर होंगे उसको हम एडवर्कते हैं वॉक सम वॉट स्लोली इन ए वेरी ब्यूटिफुल गार्डन यस्टडे टाइम वेन यस्टडे तो, तो यह एक एडवर्व है लेकिन इसका यूज है क्योंकि ये इवनिंग को मॉडिफाई कर रहा है वी वॉक स्लोली ये एडवर्ब है क्योंकि ये वॉक को मॉडिफाई कर रहा है तो यस्ट वी वी ये देखिए सम वॉट स्लोली ये जो सम वॉट वर्ड है ये स्लोली को ही मॉडिफाई कर रहा है तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो इस सेंटेंसेस में देखिए ये वाला सेंटेंस मैं पीछे से लेके आ रहा हूं ही sings well. यहाँ देखिए हमने आपको बताया था कि ये वेल well है क्या इस तरह के सेंटेंसेस जब आपको मिलेंगे किसी कॉन्टेक्स्ट में तो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा फिर जब आप उसके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा ये वही सेंटेंस ये देखिए वेल well क्या है एडजेक्टिव नहीं है ये गाने के बारे में बता रहा है सी सिंग्स वेल कैसे गाती है सी सिंग्स वेल तो ये एक एडवर्ब है द कॉफी इज वेरी हॉट वेरी एक वर्ड है जो इस हॉट एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये एडवर्ब है वानी इज एन एक्सट्रीमली गुड सिंगर एक्सट्रीमली क्या है गुड और ये दोनों मिलकर के इसको मॉडिफाई कर रहे हैं इट्स टू हॉट टूडे टू क्या है टू हॉट टूगेदर ये आज को मॉडिफाई कर रहा है सी स्पीक्स फॉरन लैंग्वेज फ्लुएंटली फॉरन इज फ्लुएंटली ये वाले वर्ड आपने आमतौर पर सुना होगा कि एल वाई वाले वर्ड सारे एडवर्ब्स होते हैं सही है लेकिन और भी वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं तो आप इनको इस तरह की एक्सरसाइजेस को ध्यान से देखिए द किड इज नाउ हैप्पी ही राइड्स हिज व्हीकल्स वेरी केयरफुली आई विजिट माई फ्रेंड डेली We will return immediately. She sings. She runs very fast. Run quickly. ये सारे अंडरलाइन वर्ड्स एडवर्ब्स हैं आमतौर पर एडवर्ब्स वर्ब को मॉडिफाई करता है लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो कभी कभी एडजेक्टिव्स को भी करता है और और ध्यान से अगर इन चीजों इन चीजों पर अगर आप और भी ध्यान देंगे तो आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव्स के बीच के संबंध के बारे में पता चलेगा क्योंकि दोनों ही मॉडिफायर्स हैं तो दोनों में ओवरलैप होगा तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स दे करके उसको अंडरलाइन करके उस पर ध्यान दे करके उनकी कैटेगरी के बारे में सीख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के लिए सिर्फ उनके नाम जानना जरूरी नहीं है उनका सेंटेंसेस में यूजेस कैसे होता है ये जानना जरूरी है थैंक यू सो मच फॉर सी यू समाइम्स ऑन इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर